मेरा नाम है पुरत और आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल पार्थ बैंकिंग। काफ़ी टाइम से बाद इस चैनल पे आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि कुछ कारण के अनुरोध में वीडियो नहीं पोस्ट पाया, उसके लिए आपको क्षमा चाहता हूँ। तो सर वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं IPPB में RD का जो अकाउंट होता है, जो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में उस एप्लीकेशन की मदद से आप RD का जो अकाउंट ओपन करते हैं, जो करवाया है आपने पोस्ट में, जो सेविंग का जो सेविंग होती है अकाउंट, जो RD का डिपॉजिट होता है, वो किस प्रकार उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, पूरे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो बने रहे मेरे वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। IPPB में आप RD में कैसे डिपॉजिट कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन। तो उसके लिए आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है IPPB को, और आप ओपन करने के बाद यहीं पर आपको MPIN डाल देना है, उसके बाद वो ओपन हो जाएगा। एक कैसे लॉगिन करना है फर्स्ट टाइम IPPB, वो भी ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है इस चैनल पे, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बोर्ड में आप देख सकते हो जाके। तो यह अपना होम पेज आ गया है IPPB का, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। उसमें आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आपको यहीं पर मिल जाएगा पोस्ट ऑफिस सर्विस, तो उसमें आपको टच करना है। आप जैसे ही टच करोगे तो और एक पेज आ जाएगा, उसमें आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो। तो मैंने स्वीप इन और स्वीप आउट को भी वीडियो बना दिया है, वो जाके देख सकते हो। और नहीं आपको कुछ समझ में आ जाएगा तो फिर वापस मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो यहीं पर आपको जो उसमें आपको रिटर्न डिपॉजिट का ऑप्शन है, उसमें आपको सिलेक्ट करना है। आप जैसे ही करोगे तो एक और पेज खुल के आ जाएगा, उसमें आपको RD का जो अकाउंट नंबर आपको जो मिला है आपकी पासबुक में होगा, तो वहीं पर पहले आइकन में आपको डाल देना है। उसके बाद सेकंड में आपको जो कस्टमर की जो ID होती है वो डाल देने रहेगी, और कितने रुपये आप भरना चाहते हो, मान के चलो आपने मंथली आप 100 रुपये सेविंग करते हो तो 100 रुपये आप डाल सकते हो। और उसके बाद यहीं पर 100 रुपये एक बार डाला तो एक डाल सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें ऐसा ही लिमिट है, तो आप मान के चलो आपको 5 ट्रांजेक्शन करना है, यानी कि आप 5 महीने के पैसे एक बार में भर सकते हो इस एप्लीकेशन की मदद से। तो उस रिगार्डिंग आपको डिपॉजिट करना है इसमें, तो इसमें मैं सारी डिटेल भर देता हूँ। मैंने सारी डिटेल भर दी है, उसके बाद हमको कंफर्म नाम के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो और एक पेज खोल के आ जाएगा, जिसमें आपको यहीं पर जो RD का अकाउंट है उसका नाम भी बता रहा है, और यहीं पर मुझे 6 रुपये पेनल्टी लगी है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इसमें पैसे नहीं डाले हैं, क्योंकि मैं एक कारण से इसमें वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी ने डिपॉजिट नहीं किया है, तो मुझे वो पेनल्टी लगी है। तो मैं ऑलरेडी इसमें पे डाल दूंगा। पे जैसे डालोगे तो यहीं पर आपको इंफॉर्मेशन जो डाली है वो सही है ना, तो इसमें कंफर्म दे देना है। कंफर्म जैसे ही दोगे तो एक और OTP आएगा, OTP नहीं आता है तो उसके बाद आपको रिफ्रेश OTP दे सकते हो। तो OTP 1-2 मिनट में आ ही जाता है, नहीं आता है तो वापस आप ट्राई कर सकते हो, OTP आने में देर भी लग सकती है। तो मुझे OTP मिल गया है, तो मैं OTP यहीं पर डाल देता हूँ। OTP में जैसे ही डालूंगा तो वहीं पर आप देख सकते हो सक्सेसफुल आ गया है, मेरे 506 रुपये मेरे खाते में से डिपॉजिट हो के RD में। और इसमें आप देख सकते हो इसमें हमको मैसेज भी आ गया है, क्योंकि इस वाले अकाउंट में आप देख सकते हो मेरा क्रेडिट भी हो गया है। तुरंत ही मुझे मैसेज मिल गया है बैंक की ओर से, तुरंत ही मैसेज मिल गया है। तो इसमें आपको डिपॉजिट अपना जो भरी है वो पूरा का पूरा पेमेंट हो गया है। तो आप देख सकते हो
आसान तरीके से इसमें आप ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हो। आई होप कि वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बैंकिंग में और एक वीडियो आपको डेली के डेली आपको देखने के लिए मिलेगी। चैनल को इस चैनल पर आप जुड़े रहे और आपको मेरी इस छोटी सी वीडियो और छोटी सी मैंने जो आपको हेल्प की है ऑनलाइन पेमेंट करने में वो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आने वाले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।